वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईटी एजुकेशन में। 67वीं बीपीएससी री एग्जामिनेशन को लेकर अगस्त के अंतिम सप्ताह में डेट अनाउंस किया गया है कि ये संभावित तिथि है, तो हम आप तक ये सारी चीज़ें पहुंचा रहे हैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। बीपीएससी एग्जाम पैटर्न के आधार पर ये एमसीक्यूज आपके एग्जाम सिलेक्शन को लेकर ही ये सिलेक्टेड एमसीक्यूज आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आपसे अनुरोध है कि आप इन सभी प्रश्नों को देखें और आंसर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में साथ साथ करते रहें। हर सवाल का आंसर देने के लिए आपको 1 से 2 सेकंड का समय मिलेगा यहाँ पे, तो अगर आप आंसर करेंगे अपने नीचे कमेंट सेक्शन में तो रीचेक होगा यहाँ पे कि आपने कितने उत्तर सही कर रहे हैं, उसके अनुसार ही मैं यहाँ पे एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ उसका लेवल हाई करने का कोशिश करूंगा। आपके पास अभी पूरा का पूरा जुलाई और अगस्त महीना है, 2 महीने की तैयारी में हम अपने आप को इतने अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे कि फिर से जो एग्जाम अगर होगा अगस्त में तो उसमें हम लोग सबसे आगे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आज के पहले प्रश्न पर लेके चलते हैं दोस्तों, जो कि आपके परीक्षा में यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने और ये टोटल 60 क्वेश्चन है आज यहाँ पे, जो कि आज आपको यहाँ पे आंसर करने होंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? सभी कोई आंसर करेंगे यहाँ पे, आंसर बिल्कुल सही है अगर आप उत्तर यहाँ पे कर रहे हैं बी, यानी कि मिथाइल अल्कोहल को कहते हैं, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल को कहते हैं, याद रखिएगा दोस्तों बी इज द करेक्ट आंसर, इस वुड स्पिरिट भी इसको कहा जाता है, नोट कर लेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 2 पे दोस्तों, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय सम्मिलित किए गए हैं? हर सवाल का जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, तो ध्यान में रखिएगा, क्योंकि देखिए भारतीय संविधान की जब भी बात होगी और 11वीं यहाँ पे अनुसूची की बात की गई है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं। और आपको बता दें कि हमारा जो 73वां संविधान संशोधन था, ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि हमारा कौन सा संविधान संशोधन था वो जिसमें कि ये विषयों को सम्मिलित किया गया था। तो ये 73वां संविधान संशोधन था, ये कब किया गया था? तो 1992 में किया गया था। इसको जोड़ा गया था दोस्तों, इस अनुसूची में 29 विषय जोड़े गए थे, कितने? 29 विषय जोड़े गए थे, तो आंसर यहाँ पे आप सी कर लेंगे। इस अनुसूची में दोस्तों पंचायत की शक्तियाँ दी गई थी, जैसा कि आप सभी को मैं बता चुका हूँ पहले भी, है ना, पंचायत की शक्तियाँ और उसके साथ साथ ग्रामीण विकास, है ना, ग्रामीण विकास, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई थी। गरीबी उन्मूलन और बाजार और सड़क, पीने का पानी ये भी था इंक्लूड इसमें, जैसे जरूरी विषय को शामिल किया गया था, तो आंसर यहाँ पे हम लोग सी कर लेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 3 पे, व्यापार की दृष्टि से कौन सा सागर संसार का सबसे अधिक व्यस्त महासागर है? तो यहाँ पे व्यस्तता की बात की गई है, ध्यान दीजिएगा, हर सवाल का जवाब देने के लिए मैं आपको 2 से 3 सेकंड दे रहा हूं, आपको भी आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना होगा। तो अटलांटिक महासागर आंसर कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिए आपको मैं बता दूं कि देखिए अगर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रशांत महासागर जो है ये सबसे बड़ा महासागर है, और जो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर और गहरा महासागर है कौन है? तो प्रशांत महासागर। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि संसार का सबसे अधिक व्यस्त महासागर, है ना, यहाँ पे व्यापार को लेकर, तो अटलांटिक महासागर यहाँ से आप लोग आंसर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है, नोट कर लेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे आंसर कीजिएगा, के एम मुंशी ने साम्यवादी तथा वामपंथी कांग्रेसियों पर नजर रखने के लिए खुफिया विभाग का उपयोग किया था, के एम मुंशी को कहां का तत्कालीन गृह मंत्री बनाया गया था? देखिए क्वेश्चन को लंबा करने का प्रयास किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, उस समय ये बॉम्बे जो था, जिसको मुंबई आज कहते हैं उसमें बॉम्बे कहा जाता था, के एम मुंशी जो थे वो वहां के तत्कालीन गृह मंत्री बनाए गए थे। के एम मुंशी ने साम्यवादी और वामपंथी कांग्रेसियों पर नजर रखने के लिए ये खुफिया विभाग का उपयोग भी किया था दोस्तों, तो आंसर करेंगे बॉम्बे। सवाल नंबर चलते हैं 5 पे दोस्तों, आंसर करेंगे, 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष किसे चुना गया था?
तो ये क्वेश्चन मैं कल भी आपको करवाया था, इसके बारे में एक्चुअली बताया था, तो ये याद रखिएगा, विट्ठल भाई पटेल इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। वे एक राष्ट्रीय नेता थे जो कि 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष के रूप में इनको सेलेक्ट किया गया था। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों, 6 पे आंसर करेंगे। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, मेला और बाजार का टैक्स, है ना, याद रखेंगे दोस्तों। पंचायत में आय का स्रोत मुख्यतः अगर देखा जाए ना, तो प्रांतीय सरकार से भी प्राप्त होता है, उसके अनुदान से, भू राजस्व की धनराशि के अनुसार पंचायत टैक्स जो होता है वो मिल पाता है, और विभिन्न मनोरंजनों की बात होती है, तो मनोरंजन में मेला आ जाता है, और बाजार जो है आपके व्यापार को लेकर होता है, तो विभिन्न मनोरंजनों के कार्यों से संबंधित मनोरंजन टैक्स भी यहाँ पे ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत बनता है दोस्तों। तो यहाँ से आंसर क्या कर लीजिएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 7 पे। जुलाई 2021 में 12वां इंद्र अभ्यास का आयोजन रूस में किस देश के बीच हुआ था? तो ये देखिए, भारत और रसिया के बीच में हुआ था, ये याद रखना होगा आपको यहाँ पे एक तो चीज, है ना, और ये जो हमारा है जुलाई 2021 में हुआ था, ठीक है, जुलाई 2021 में ये 12वां संस्करण था इंद्र अभ्यास का। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये VVI में मैं इसको रखना चाहूंगा, ठीक है, युद्धाभ्यास से क्वेश्चन एक एग्जाम में रहता ही रहता है, और इस युद्धाभ्यास में भारत के 3 सेनाओं में लगभग 250 सैन्यकर्मी शामिल हुए थे। ये क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा बट ध्यान में रखिएगा, है ना, और संयुक्त सैन्य जो है अभ्यास, इंद्र अभ्यास जो है, इसका 12वां संस्करण हुआ था 1 से लेकर 13 अगस्त के बीच में, तो ये जरूर पूछ सकता है, है ना, 2021 में हुआ था, ठीक है, और रूस के जो वोल्गोग्राडो में आयोजित किया गया था, कौन से शहर में, तो वोल्गोग्राडो लिख लीजिएगा, हो सकता है कहीं आपको देखने को मिल जाए, वोल्गोग्राड, है ना, वोल्गोग्राड में हुआ था ये, रूस के शहर में, ठीक है, तो भारत और रूस के बीच में हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा है इसलिए भारत आंसर हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 8 पे दोस्तों, आंसर करेंगे। क्रिप्स प्रस्ताव के समय ब्रिटिश मंत्री परिषद में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये बिल्कुल यहाँ पे देखिए जो है आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं, ये जो ऑप्शन हमारा लिनथिंगो जो है, ये गवर्नर जनरल से मैच किया गया है, जो कि यहाँ पे वायसराय थे, ये लिनथिंगो जो थे क्रिप्स प्रस्ताव के समय क्या थे, तो वायसराय थे, याद रखिएगा, है ना, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, तो आंसर यहाँ पे कीजिएगा केवल डी, हमारा उत्तर यहाँ पे जो कि सम्मिलित नहीं है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 9 पे, आंसर करेंगे। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो बिल्कुल ये दोस्तों आंसर कीजिएगा, यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है कि साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो आपको आंसर करना होगा ई, ठीक है, केवल न्यूट्रॉन को छोड़कर, है ना, केवल न्यूट्रॉन को अगर छोड़ दें हम, तो प्रोटॉन, अल्फा कण और ड्यूट्रॉन, इनको त्वरित करने के लिए इसको प्रयुक्त किया जाता है, किसको, साइक्लोट्रॉन को। साइक्लोट्रॉन क्या है, तो एक मशीन है, क्या है, एक मशीन है जिसका उपयोग करके उच्च ऊर्जा के लिए अवशोषित कणों को त्वरित करने के लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है, ऊर्जा के लिए अवशोषित कणों को त्वरित किया जाता है, और ऐसे त्वरण को उपकरण कहते हैं, क्या कहते हैं, उपकरण कहते हैं, ये लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, साइक्लोट्रॉन एक मशीन है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 10 पे, आंसर करेंगे। सूती वस्त्र उद्योग में उत्पादक देश कौन है? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा इनमें सभी, ऑल, है ना, तो ई उत्तर हो जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई उत्तर हो जाएगा, ब्रिटेन, भारत, चाइना, रशिया, रशिया यानी कि रूस, है ना, तो ये रशिया है भाई, वो रशिया वाला रशिया नहीं है, है ना, सूती वस्त्र उद्योग में उत्पादक देश जो है ये सभी हैं, तो आंसर ई कर लीजिएगा। सवाल नंबर 11 पे चलते हैं दोस्तों, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड समूह का आबंध क्रम क्या है? तो ये CO को हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, तो समूह का आबंध क्रम जो है दोस्तों ये 3 होता है, कितना होता है, 3 होता है, याद रखिएगा,
कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एक कार्बन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु के त्रि आबंध से बनता है। क्या कहते हैं इसको? त्रि आबंध से बनता है, इसलिए इसमें तीन होते हैं। ठीक है, तो नोट कर सकते हैं, इसका अणु सूत्र हम लोग CO लिखते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है। सवाल नंबर चलते हैं 12 पे दोस्तों। हैलोजन लैंप का तंतु निम्नलिखित की मिश्र धातु होता है, तो बिल्कुल आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 12 का दोस्तों, टंगस्टन और सोडियम का होता है। सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, इसलिए इसको VVI में हम लोग पुट आउट करेंगे। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं 13 पे दोस्तों। सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए हम उपयोग करते हैं। इट्स सिग्नल है, याद रखिएगा सिग्नल है ना, सिग्नल का जो पावर है वो हमको बिना नेटवर्क की लंबाई को, है ना, बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए हम उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं भाई? तो रिपीटर का हम लोग उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? रिपीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 14 पे दोस्तों। ठीक है, जिस सी बैंड वगैरह आप लोग पढ़े होंगे, है ना, जिसमें कि सिग्नल का शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने का उपयोग करते हैं हम लोग, उसमें सी बैंड का लिख लीजिएगा अगर यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो, है ना, सी बैंड का उपयोग करते हैं। ठीक है, प्रेषण के लिए। सवाल नंबर चलते हैं 14 पे। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मूलाभ मेघ का निर्माण किस मंडल में होता है? बिल्कुल, अगर आप उत्तर कर रहे हैं दोस्तों बी, संताप मंडल में, है ना, मूलाभ है, एक्चुअली मुत्ताभ कहते हैं इसको, मुत्ताभ अथवा मौतिक कहते हैं। ठीक है, मौतिक इसको कहते हैं, मौतिक कहते हैं। ठीक है, मौतिक या ये मूलाभ लिखा गया है, इसको मुत्ताभ कहते हैं, तो में संयुक्त त रहेगा कुछ इस तरह से, है ना, मुत्ताभ में कहते हैं इसको, याद रखिएगा। ठीक है, और ये समताप मंडल में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? समताप मंडल में होता है। पृथ्वी की सतह से लगभग कितना? 24 से लेकर 32 किलोमीटर की दूरी पे होता है। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड भी है। सवाल नंबर 15। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किसका एक रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? तो मस्टर्ड गैस का उपयोग किया गया था। सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। और ये IAS के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है, UPSC IAS का एग्जाम का जो CSAT का पेपर हुआ था उसका ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये जो क्वेश्चन सेट है ये आप लोग दृष्टि में भी देखेंगे, दृष्टि का जो BPSC का पेपर दिया गया था इस बार, है ना, तो उसका भी ये पेपर सॉल्यूशन है। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको यहाँ से उठा लिया है। सवाल नंबर 16 पे चलते हैं। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो आंसर ए कर लेंगे, अवरक्त। ठीक है, आंसर क्या कर लीजिएगा? दूरस्थ नियंत्रण वगैरह तार के कुछ दूरी पर ही किसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति, जैसे कि टीवी को नियंत्रित करना होता है, उस कार्य में इसका उपयोग कर लेते हैं, या अवरक्त तरंगों का उपयोग करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अवरक्त यहाँ पे लिखा गया है, तो टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए हम लोग जो उपयोग करते हैं, दूरस्थ नियंत्रण के लिए, क्या दूर की चीज़ों के लिए, है ना, दूरस्थ नियंत्रण के लिए लिख लीजिएगा। ये सब चीज़ें अगर कहीं देखने को मिल जाएगा तो आप लोग को ध्यान में आ जाएगा, है ना, दूरस्थ नियंत्रण के लिए, जैसे कि टीवी को हम लोग चलाते हैं, है ना, टीवी को नियंत्रित करते हैं, है ना, रिमोट कंट्रोल, तो अवरक्त तरंगों का उपयोग होता है यहाँ पे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 17 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बिल्कुल, आंसर यहाँ पे जल्दी से कीजिएगा। गन्ने के रस को किण्वित करने का, ठीक है, किण्वित करने पर सिरका बनता है, ये सही है। सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है, ये भी सही है, ए बी सही है हमारा। सिरके में उपस्थित अम्ल बेंजोइक अम्ल होता है, ये तो बात गलत है, सी छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे सी छोड़ दीजिएगा। सिरका एक परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है, ये भी कथन सत्य है। तो ए बी और डी जब सही है तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सी छोड़कर बाकी सभी सही है यहाँ पे। सवाल नंबर 18। भारत का विदेशी पक्षी पार्क कहाँ खोला गया है? तो बिल्कुल याद रखिए, भारत का पहला, है ना, भारत का ये पहला है विदेशी पक्षी, ये पाली दे गया, इट्स अ पहला, है ना, पहला विदेशी पक्षी पार्क है जिसका नाम है SL World। क्या नाम है इसका?
एसएल वर्ल्ड, एसएल वर्ल्ड का आप लोग एडवर्टीजमेंट तो आप लोग सुनते ही होंगे बचपन से, एसएल वर्ल्ड में जाऊंगा मैं, है ना। तो वही एसएल वर्ल्ड है जो कि ये विदेशी पार्क हो चुका है और इसको नाम दिया गया एसएल वर्ल्ड बर्ड पार्क, है ना, बर्ड पार्क, बर्ड पार्क, ठीक है। तो इसको खोला गया है दोस्तों कहाँ पे, तो मुंबई इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सवाल नंबर 19 पे। दिसंबर 1941 में जापान ने अमेरिका के किस प्रांत का अचानक हमला कर दिया था? तो ये तो आप लोगों सबको पता होना चाहिए, 1941 में विश्व युद्ध के दौरान पर्ल हार्बर पे सबसे पहले हमला किया गया था, ठीक है, जापान ने किया था अमेरिका पे, और उसके बाद दोस्तों इन्होंने जो है जो एटम बम गिराया था यहाँ पे, है ना, एटम बम गिराया था जापान पे, उसके बाद ये स्थिति यहाँ की नाजुक हो गई थी। तो अमेरिका के हवाई द्वीप था पर्ल हार्बर ये, ठीक है, जिसको तहस नहस कर दिया गया था जापानी हमले में, और 74 साल इसको पूरे भी हो चुके, 7 दिसंबर ये डेट था, तो ये भी याद रखिएगा 1941 में, ठीक है। आज के ही मतलब अगर हम दिसंबर की बात कर ले तो सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जापानी एयरफोर्स ने चुपके से अमेरिका पर हमला बोल दिया था, और इस हमले में लगभग 2500 अमेरिकी भी मारे गए थे, जिसमें कि 18 नेवल शिप तबाह भी इनके हुए थे। तो 1941 में 7 दिसंबर को ये हमला हुआ था पर्ल हार्बर में जापान के द्वारा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 20 पे। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्याग पत्र दे दिया था, क्योंकि देखिए क्यों उसमें इस्तीफा दिया गया था 7 प्रांतों में, ठीक है। तो कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी, इसलिए, ठीक है, ये बात सही है। कांग्रेस में वाम पक्ष जो है, ना, वाम पक्ष जो थे, उदय से लेकर मंत्रिमंडल का कार्य करना संभव, ये असंभव हो गया था उनके लिए, ये भी कथन सही था, और उनके प्रांतों में बहुत अधिक सांप्रदायिक अशांति भी हुआ करती थी, तो ये भी सही है, यानी कि ए बी और सी तीनों ही सही है, तो हमारा आंसर जो है डी हो जाएगा यहाँ पे, उपर्युक्त सभी। ए ऑप्शन अगर दे दिया है पहले तो ये ध्यान रखिएगा यहीं पे ऑप्शन मार दीजिएगा, इसमें मत जाइएगा, है ना, इसमें गलत हो जाएगा, ई मारिएगा तो एक से अधिक वाला में। सवाल नंबर 21 पे चलते हैं। अर्धचालक में अशुद्धियां मिश्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसको कहते हैं डोपिंग। क्या कहते हैं? डोपिंग, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, है ना, और ये एग्जाम में दोस्तों पूछा भी जाता है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, तो इसलिए इसको ध्यान में आप रखिएगा, डोपिंग इज द करेक्ट आंसर, ए उत्तर कर लीजिएगा इज द राइट आंसर, ठीक है। और ये डोपिंग जो होता है दोस्तों, डोपिंग करने का हम लोग जो है ना इलेक्ट्रॉनिक युक्ति, जैसे कि डायोड, ट्रांजिस्टर या आईसी वगैरह में हम लोग निर्माण करते हैं, इनकी चालकता को बाहर से लाए गए जितने भी विद्युत क्षेत्र बनते हैं या फिर प्रकाश के द्वारा भी परिवर्तित किया जा सकता है इनको, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसको डोपिंग कहते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 22 पे चलते हैं। सूर्य सेन ने किनके साथ मिलकर सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई थी? तो ये आंसर याद रखिएगा, सूर्य सेन जो था ये इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किया, और गणेश घोष, अनंत घोष और लोकनाथ बाउल, ये तीनों के साथ मिलकर, है ना, यानी कि आंसर क्या कर लेंगे हम, डी कर लेंगे, उपर्युक्त सभी के साथ मिलकर इन्होंने सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई थी। सवाल नंबर चलते हैं 23 पे। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है? एग्जैक्टली, याद रखेंगे, नाभिकीय संलयन पर, जी हाँ, अभियंत्रिक संलयन या फिर इसको कहते हैं हाइड्रोजन बम का जो अनियंत्रित संलयन कहते हैं इसको, है ना, जो कि एक अभिक्रिया सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोजन बम का निर्माण होता है जिसकी शारीरिक क्षमता जो है परमाणु बम की जैसे ही होती है, उनके गुण इसमें सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, नाभिकीय संलयन का ये सिद्धांत कहलाता है दोस्तों। तो नाभिकीय संलयन पर ए इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 24, बरौली फर्टिलाइजर से होगा नीम क्रेडिट यूरिया का उत्पादन, यह किस जिला में होगा? तो बरौली जो है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना, बरेली अलग है, बरौली अलग है, बरौनी है, ये लिख दिया गया, इट्स अ न, है ना, बरौनी ये बिहार में है, और बरौनी जो है आपके बेगूसराय जिला के में है, ठीक है, याद रखिएगा, बरौनी फर्टिलाइजर से यहाँ पे नीम क्रेडिट यूरिया का उत्पादन होगा जो कि बेगूसराय जिले में है, सी उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 25 पे चलते हैं, आंसर करेंगे। निम्न में से कौन भारत
का देश में निर्मित हल्का युद्ध योग्य हवाई जहाज है? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, इट्स अ बी तेजस इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिएगा, आंसर क्या कर लीजिएगा, बी तेजस इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 26, एक जैव पद्धति जिसमें प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, आंसर कीजिएगा दोस्तों यहां पे, एक जैव पद्धति जिसमें कि पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल जी हाँ, आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, सोनोग्राफी और ईसीजी दोनों में उपयोग होता है। तो ए और हमारा जो है ईसीजी जो है बी, ये दोनों उत्तर सही होगा, इसलिए हमारा उत्तर यहाँ पे ई हो जाएगा, एक से ज्यादा उत्तर सही। सवाल नंबर 27, टोक्यो ओलंपिक में नौकायान प्रतियोगिता में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? एग्जैक्टली याद रखेंगे दोस्तों, नेत्रा कुमानन इज द राइट आंसर। नेत्रा कुमानन को ओमान में, कहां पर ये क्वेश्चन बन सकता है, ओमान में इतिहास रचा है इन्होंने, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है इन्होंने, और ये 23 वर्षीय हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, 23 वर्षीय हैं और ये नेत्रा जो है, नेत्रा कुमानन जो है ओलंपिक की क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक है, ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्या है, नाविक है, ठीक है, पहली भारतीय महिला नौकायन प्रतियोगिता भाग ली थी, और ये खिलाड़ी जी हाँ भारत को यहाँ पे एशियाई क्वालिफायर में भी ले गई और रेडियल स्पर्धा में भी शीर्ष स्थान पे बनी, और नेत्रा कुमारन ने ओमान में इतिहास रचा टोक्यो ओलंपिक क्वालिफायर बनकर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 28 पे, बुकर पुरस्कार 2021 के लिए डेमन गुलगुट को उसके किस उपन्यास के लिए दिया गया? बिल्कुल, बुकर पुरस्कार 2021 के लिए डेमन गिलगुट को उनके किस उपन्यास के लिए दिया गया? तो बुकर अवार्ड दिया गया है दोस्तों द प्रॉमिस के लिए, याद रखिएगा डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ से, है ना, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा द प्रॉमिस, है ना, ये डेमन गिलगुट जो है ये उपन्यास लिखे द प्रॉमिस, इनको 2021 में बुकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सवाल नंबर 29, अक्टूबर 2021 में कोंकण शक्ति 2021 त्रिसेवा अभ्यास, देखिए युद्धाभ्यास से एक और क्वेश्चन आ गया है, किस देश के बीच अरब सागर में हुआ है? अक्टूबर 2021 में कोंकण शक्ति 2021 त्रिसेवा अभ्यास का आयोजन किस देश के बीच? तो याद रखिएगा दोस्तों ये भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ है, किसके बीच हुआ है, भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ है, है ना, तो इंडिया एंड यूके, ये याद रखिएगा, आंसर क्या कर लेंगे हम यहाँ पे, ई कर लेंगे। अच्छा एक बात बता दें कि ये जो सशस्त्र बल है 24 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर 2021, है ना, याद रखिएगा डेट इसको, अरब सागर में कोंकण तट पर हुआ जिसको त्रिसेवा अभ्यास कोंकण शक्ति का नाम दिया गया, ठीक है, 7 दिन तक ये चला था युद्धाभ्यास बंदरगाह चरण में, और 23 अक्टूबर तक ये मुंबई में आयोजित भी किया गया था दोस्तों, है ना, 23 अक्टूबर के बाद 21 से लेकर 23 अक्टूबर तक मुंबई में हुआ था, है ना, और उसके बाद ये 24 अक्टूबर से 27 अक्टूबर जो है ये कहाँ हुआ था, तो कोंकण के तट पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर चलते हैं 30 पे दोस्तों, उत्तरी अमेरिका में स्थित ग्रैंड बैंक किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अगर आप उत्तर यहाँ पे बी कर रहे हैं, मत्स्य पालन, है ना, ग्रैंड बैंक उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर है और अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, ये याद रखिएगा, अत्यधिक महत्वपूर्ण मत्स्य ग्रहण क्षेत्र है ये, इसलिए यहाँ पे मत्स्य पालन के लिए इसको प्रसिद्ध माना जाता है। सवाल नंबर 31, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाले हास्य गैस, बिल्कुल उत्तर कर रहे हैं ए, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा, जो कि आपको लाफिंग गैस भी इसको कहते हैं इंग्लिश में। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल, जैसे कि D2O कहते हैं इसको, भारी जल को, ग्रेफाइट होता है उपयोग यहाँ पे, ये भी याद रखिएगा, और बेरिलियम ऑक्साइड भी होता है, बेरिलियम ऑक्साइड भी होता है, और ये सभी होता है, यानी कि तीनों होता है, ठीक है,
याद रखिएगा दोस्तों, उपर्युक्त सभी, तो इसलिए हमारा अब उत्तर यहाँ पे ई होगा। पूछिए क्यों, उपर्युक्त में से कोई नहीं लिखा गया है डी पे, है ना, तो ये नहीं हो सकता है, ये तीनों होता है, इसलिए एक से अधिक उत्तर हमारा हुआ तो आंसर हमारा ई होगा यहाँ पे। सवाल नंबर चलते हैं 33 पे दोस्तों। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए सरदार भगत सिंह और राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या कहाँ की थी? बिल्कुल याद रखिएगा, लाहौर में किया था, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अच्छा, लाला लाजपत राय जो है, इनका जो है मृत्यु तारीख क्या था, लाला लाजपत राय का ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो 17 नवंबर 1928, है ना, याद रखिएगा, इनका मृत्यु तिथि था, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, लाहौर में हुआ था इनका दोस्तों, राजगुरु ने हत्या की थी भगत सिंह के साथ, तो लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया गया था, तो ये मृत्यु कब हुआ था, 1928 में, तो इसका बदला सरदार भगत सिंह और राजगुरु ने लिया सैंडर्स की हत्या करके लाहौर में, लाहौर अब पाकिस्तान में है, याद रखिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 34 में, थोड़ा क्वेश्चन लंबा है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना, रचनात्मक कार्य प्रारंभ करना, संसद में भागीदारी करना, एक प्रकार की अत्याधुनिक पराजय, आदर्शों का समर्पण और क्रांतिकारी पद पर परित्याग कर सुधारवादी पद को अपनाने जैसा था, यह कथन किसका था? जवाहरलाल नेहरू, एग्जैक्टली अगर आप उत्तर डी कर रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू याद रखेंगे दोस्तों, है ना, नेहरू जी जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 35 पे, ठीक है। क्रिप्स योजना के स्वीकार करना भारत को अनिश्चित खंडों में विभाजित करने के लिए मार्ग प्रशस्त करना था, यह कथन किसका है? तो ये भी हमारे जी हाँ पंडित नेहरू जी ने ही कहा था, बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। सवाल नंबर चलते हैं 36 पे। क्रिप्स मिशन कब आया था, ये क्वेश्चन बन सकता है, तो 1942 में आया था, याद रखिएगा, ठीक है, 42 में आया था, ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसको भेजा गया था, ठीक है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? PNG, याद रखेंगे, ए इज द करेक्ट आंसर। नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 से शुरू किया गया था दोस्तों, ठीक है। नोबेल जो है कब शुरू किया गया था, नोबेल अवार्ड तो 1901 में शुरू किया गया था। यह शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा विज्ञान, अर्थशास्त्र में ये अवार्ड दिया जाता है और विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार सम्मान भी इसको कहा जाता है। इसमें दोस्तों आपको बता दें कि $10,00,000, है ना, $10,00,000 जो है अमेरिकन डॉलर आपको अवार्ड के रूप में मिलता है। तो नोबेल तेल किसको कहते हैं, है ना, विस्फोटक का नाम जो है नोबेल तेल है, तो TNG, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 37 पे। भारत एक विशाल कारागृह है, मैं इस अवधारणा को अस्वीकार करता हूं, यह विचार किसका है? महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन को, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, यह विचार है महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन जैसे। सवाल नंबर चलते हैं 38 पे। निम्नलिखित में कौन संविधान के 73वें संशोधन के सम्मिलित है? अभी मैंने आपको ऊपर बताया है ना, भारतीय संविधान संशोधन 73 जो हुआ, ये 11वीं अनुसूची में रखा गया, याद रखिएगा, एक नया भाग, भाग 9 में सम्मिलित किया गया था, और अनुसूची 11 के तहत इसको रखा गया था, 243 के प्रावधान में इसको सम्मिलित किया गया है, और आपको बता दें कि ये 29 कार्यकारी का विषय भी बना था। तो अब यहाँ से आप लोग को आंसर करना आसान हो गया, जी हाँ, आंसर कर लीजिएगा ए, बी और सी, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत, तो आंसर याद रखिएगा ये तीनों, आंसर ई कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। सवाल नंबर 39। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन और कौशल विकास के क्षेत्रों में 4 समझौते भारत और किस देश के हस्ताक्षर पे हुआ? Exactly, याद रखेंगे आप लोग, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री हैं हमारे भूपेंद्र यादव, ठीक है, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन और कौशल विकास के क्षेत्रों में 4 समझौता किया गया, और ये हुआ दोस्तों, जी हाँ, डेनमार्क, ठीक है, भारत और डेनमार्क के बीच में, किसके बीच, भारत और डेनमार्क के बीच में। चलिए आपसे एक सवाल है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताएंगे, हु व्हाट इज द कैपिटल ऑफ डेनमार्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सवाल नंबर 40 पे।
निम्नलिखित में कौन ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है? ग्लाइसिन ऑप्टिकली ये सक्रिय नहीं है। सबसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको मैं, है ना, इंपॉर्टेंट जो उसको कहते हैं, एक्सपेक्टेशन है यहाँ से कि ये एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, है ना। तो याद रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सारे अपडेट आप तक पहुँचाए जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ग्रैंड बैंक किस लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, ये इनमें से किसी से संबंधित नहीं है, ये है मत्स्य से। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, मत्स्य विभाग से संबंधित है ग्रैंड बैंक। अभी मैंने ऊपर बताया भी था क्वेश्चन से रिलेटेड। सवाल नंबर 42, निम्नलिखित में कौन फलों के पकाने में बढ़ावा देता है, पकने में? तो एथिलीन का उपयोग हम लोग सबसे ज्यादा करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, पौधों द्वारा उत्पादित एक गैस है एथिलीन, इसका फॉर्मूला होता है C2H4, है ना, C2H4, और इसे पकने वाले हार्मोन के रूप में जाना जाता है, जो कि फल को उत्तेजित यानी कि बहुत ही जल्दी ये पकाता है। सवाल नंबर चलते हैं 43 पे, अति चालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व को हो सकती है जिसे लाखों रुपए की बचत हो सके? अति चालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व को यहाँ पे हो सकती है जिससे कि लाखों रुपए की बचत होती है? तो सामान्य तापमान पर, याद रखेंगे आंसर क्या कर लेंगे, इट्स सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 44 पे, निम्न में से कौन ठंडी जलधारा है? तो अलास्का की जलधारा जो है ये गर्म जलधारा है, सुशिमा जलधारा ये भी गर्म है याद रखिएगा, फॉकलैंड का जलधारा जो है ये ठंडी जलधारा है, ये याद रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये फ्लोरिडा का जो है ये भी गर्म जलधारा है। तो आंसर क्या कर लेंगे, सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर 45, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में योजना बनाने, संपादन करने एवं क्रियान्वयन की जिम्मेवारी निम्नलिखित में से किसकी है? तो महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, है ना, मनरेगा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये ग्राम पंचायतों के लिए क्रियान्वयन है, और ये जिम्मेवारी दोस्तों इसकी है किसकी, तो ग्राम पंचायत की, सी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 46 पे चलते हैं, कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन में संबंधित नहीं है? और देखिए एक बार ना क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है कि मनरेगा की सबसे पहले शुरुआत कहाँ की गई थी, है ना, तो याद रखेंगे मनरेगा की सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी राजस्थान में हुई थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ से एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है इनमें से? तो तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना, है ना, नाभिकीय विखंडन से इसका कोई तात्पर्य नहीं है, तो बिल्कुल बी उत्तर करेंगे, बल्कि नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन जो है प्रेरित नाभिकीय क्रिया करता है, है ना, न्यूट्रॉन प्रेरित परमाणु अभिक्रिया भी होता है, है ना, परमाणु अभिक्रिया भी होता है जो कि परमाणु बम में बहुत उपयोगी होता है, और नाभिकीय रिएक्टर ऊर्जा का स्रोत है जो कि बिजली उत्पन्न करता है, ये भी बात सही है, लेकिन कथन बी जो है हमारा इसको साबित नहीं करता है, सही है। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया है, बीकानेर से अगर आप उत्तर कर रहे हैं तो उत्तर बिल्कुल सही है, देश का ये पहला स्वदेशी उपग्रह आर्यभट्ट के लॉन्च के करीब 4 साल के बाद भारत ने अपना पहला प्रायोगिक रिमोट सेंसिंग उपग्रह जिसको कि यहाँ पे भास्कर 1 प्रक्षेपित किया, इसे 7 जून 1979 में वोल्गोग्राडो में स्पेस स्टेशन है, जो कि अभी मैंने इसके बारे में बताया, जो कि रसिया का स्पेस स्टेशन है, और इसका वजन दोस्तों 442 kg है, जिसकी अवधि जो है 1 वर्ष की है। तो याद रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर कर लीजिएगा, बीकानेर में भारत से ये किया गया, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग ये सैटेलाइट छोड़ा गया है दोस्तों। सवाल नंबर 48 पे चलते हैं, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक दोस्तों होता है वायु का संचरण, वायु के कणों के कंपन के कारण उत्पन्न हुए संपीड़न में, और विरल के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं, तो ये धातुओं में होता है, याद रखेंगे, सी इज द करेक्ट आंसर। टोक्यो पैरालंपिक 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली कृष्ण नागर किस खेल से संबंधित हैं?
बिल्कुल बैडमिंटन से ये संबंधित है, इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 50 पे दोस्तों। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, बी इज द करेक्ट आंसर। और इसको विकसित करने का पहला प्रयास किया गया था 1938 में। कब किया गया था? 1938 में। उस वर्ष कांग्रेस राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति सुभाष चंद्र बोस को जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष के रूप में और एक राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। सवाल नंबर चलते 51 पे दोस्तों। स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्र के सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? आंसर करेंगे बी, नेपाल के साथ। जी हाँ दोस्तों, भारत भारत और नेपाल के साथ, ठीक है, ये समझौता हुआ है स्वस्थ अनुसंधान क्षेत्र में। लेकिन एक क्वेश्चन और है कि भारत और फ्रांस के साथ एक स्वस्थ अनुसंधान में सहयोग की संभावना के साथ साथ समझौता पर हस्ताक्षर भी किया गया था 25 जनवरी 2022 को, ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा। लेकिन पहला यहाँ पर अगर पूछे तो यहाँ पर भारत और नेपाल आंसर कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 52 पे। वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि? बिल्कुल, वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनता है इसलिए वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और हीलियम गैस जो है ये अक्रिय तथा अज्वलनशील गैस होता है, ठीक है, ये जलता नहीं है, इसलिए आंसर हमारा क्या कर लेंगे यहाँ पे मित्रों, डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 53 पे। क्रमिक प्रशासन और शासन सुधारों के नवीकरण के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? बिल्कुल, भारत और गाम्बिया, याद रखेंगे दोस्तों, भारत और गाम्बिया के बीच में केंद्रीय मंत्रिमंडल क्रमिक प्रशासन और शासन सुधारों के नवीनीकरण पर भारत और गाम्बिया गणराज्य के बीच समझौता की मंजूरी मिल चुकी है। सवाल नंबर चलते 54 पे। प्राचीन काल से दही जमाने की प्रक्रिया में निम्न जीव की आवश्यकता होती है? वो जीवाणु होता है, याद रखेंगे दोस्तों, इट्स अ बी इज द ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आंसर बताइए, कल मैंने आपको बताया था, है ना, कौन से अम्ल के चलते जो है दही खट्टा होता है। सवाल नंबर चलते हैं 55 पे। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे दिया गया? बिल्कुल, नितिन राकेश और जेरी विंड को दिया गया। दोस्तों ए और बी दोनों उत्तर कर लेंगे इसलिए हमारा उत्तर ई हो जाएगा। सवाल नंबर 56 पे चलते हैं। वायु या गैस में ध्वनि तरंग होती है? बिल्कुल, ये अनुदैर्ध्य तरंग होती है, याद रखेंगे दोस्तों, बी इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं क्योंकि माध्यम के कण जो होते हैं किसी माध्यम से ध्वनि को कंपन दिशा में समानांतर ले जाता है, ठीक है, और जिसके चलते ध्वनि तरंगे चलती हैं दोस्तों। यह ध्वनि एक कंपन है जो कि ठोस, तरल और गैस के माध्यम से यांत्रिक तरंगों में फैलता भी है। सवाल नंबर चलते हैं 57 पे। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान स्थित है? बिल्कुल, उत्तराखंड का कैपिटल सिटी है देहरादून, जहां पे ये स्थित है भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान। नेक्स्ट सवाल नंबर 58। पराश्रव्य तरंगों के बारे में कौन सा कथन विचारणीय है? बिल्कुल, यह कीड़ों को नष्ट कर सकती है, यह कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है, इसका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है, यह स्वचालित दरवाजों के नियंत्रित कर सकती है। तो यहाँ पे सभी के सभी उत्तर सही हैं इसलिए हमारा उत्तर ई हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 59 दोस्तों, आंसर कीजिएगा यहाँ पे। कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? बिल्कुल, वायुमंडल का ऊपरी परत में गैसों का अनुपात प्रकार बदलता जाता है, जिसमें कि अगर आप 120 किलोमीटर ऊपर ही जाएंगे सीधे तो ऑक्सीजन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, और दोस्तों ऑक्सीजन का जो मात्रा है वो जीरो हो जाएगा वहां पे, ठीक है। चलिए सवाल नंबर चलते हैं 60 पे। जून 2022 को किस देश ने अपना पहला घरेलू निर्मित अंतरिक्ष लॉटरी नूरी का सफल परीक्षण किया है? द
दक्षिण कोरिया, बी इज द करेक्ट आंसर। तीन स्टेज वाली नूरी रॉकेट ने साउथ कोरिया यानी कि दक्षिण कोरिया के इकलौते स्पेस लॉन्च सेंटर में जी हाँ 4 बजे उड़ान भरी थी। यह आंसर क्या कर लीजिएगा, और बहुत ही कामयाब उड़ान थी, दक्षिण कोरिया इज द राइट आंसर। तो आपने यहाँ पे इन सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, टोटल 60 प्रश्न आज आपको देखने को मिले इस डेमो 2 की क्लास में। जी हाँ, अगर आप लोग को यहाँ से 50 क्वेश्चन सही है ना आंसर अगर आप लोग किए हैं तो आपका ये लेवल आपको यहाँ से हाई लेवल पे ले जाएगा। अगर आपका 50 से कम सही है ना, तो आपको इसी लेवल पे काम करना होगा अभी, और इस तरह के क्वेश्चन आप तक हम पहुँचाने का प्रयास करेंगे अपने वीडियोस के माध्यम से। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि कितने उत्तर आप लोगों ने सही किए हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।